Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. आपको बता दें कि नवागत आयुक्त महोदया मेरठ मंडल मेरठ सेल्वा कुमारी जी ने आयुक्त कार्यालय पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया तथा पत्रकारों से वार्ता के क्रम में अपने अनुभवों को साझा करते हुए मेरठ मंडल मेरठ के लिए अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि शासन की मंशा अनुरूप जीरो टॉलरेंस की नीति का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा तथा लंबित विकास कार्यों को गति प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधियों आमजन व मीडिया से समन्वय स्थापित कर आमजन की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता पर कराया जाएगा। इस अवसर पर कमिश्नरी के अधिकारी व कर्मचारी गण उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं सेल्वा कुमारी जे ने क्या कुछ कहा। अच्छा, जैसे अभी आप लोगों ने भी पॉइंट आउट किया कि रोड इश्यूज, ट्रैफिक इश्यूज है, इसके अलावा फिर डेवलपमेंटल इश्यूज़ है, ऑफकोर्स उसमें फोकस करना पड़ेगा एंड ह्यूमन कैपिटल को भी फोकस करना पड़ेगा क्योंकि पॉपुलेशन तो बहुत है बट कितना वैल्यू वो इकोनॉमी में दे रहे हैं तो उसको भी इम्प्रूव करने का बहुत आवश्यकता है। इन चीज़ों पे काम करेंगे। नहीं, ये हमारे जो भी शहरों हैं, जैसे कई शहर अब आगे बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारा रोड नेटवर्क, और क्योंकि ट्रेड डेवलप होना हो या हमारे पॉपुलेशन का भी बढ़ रहा है तो कई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना है तो हम लोगों का ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस होना, उसी क्रम में काम हो रहा है। तो अभी एक बार समीक्षा कर लेंगे, आगे जहाँ पे भी ले जाना है कोई इश्यूज है सॉर्ट आउट कर लेंगे एंड वी आर गोइंग इन द राइट ट्रैक। हम लोगों को जैसे अदर सिटीज़ में डेवलपमेंट होता है वैसे ही यहाँ पे भी कई नया प्रोजेक्ट्स हैं, उसको आगे ले करके जाएंगे। सरकारी प्रोजेक्ट चलते हैं इसके लिए जरूरी है कि करप्शन जो है वो ना, लेकिन ये देखा जा रहा है कि रूट लेवल से लेकर आपके ऑफिस तक करप्शन की एक बहुत लंबी चेन है और जो महाधीस है वो बरसों से एक एक दशक से यही जमे हुए हैं, उनके खिलाफ कोई सॉलिड कार्रवाई नहीं होती। करप्शन में कोई जीरो टॉलरेंस है, उसमें कोई नेगोशिएशन का कोई है नहीं। स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो इज वेरी क्लियर, इसको टॉलरेट नहीं करते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कई जगह कार्रवाई भी हुआ है कई अधिकारियों के खिलाफ, तो उसमें हम लोग आगे भी यहाँ पे भी जो भी इश्यूज आएंगे जो करप्शन रिलेटेड इश्यूज उसको बहुत गंभीरता से लिया जाएगा एंड मेन है कि जो सर्विसेज हम लोगों को लोगों तक पहुंचाना है उसमें कहीं पे भी कोई कारण से कमी ना रहे, उस पर फोकस रहेगा। सर, जो यहाँ थे उसके बाद से ये देखा गया है कि सॉलिड कार्रवाई जो है करप्शन के खिलाफ नहीं होगी। अगर कोई इस तरह से इलीगल कोई भी कारोबार में रहेंगे तो डेफिनेटली कार्रवाई होगी। मैडम, अभी जो है आपने है कि वो हमारा वी डोंट गिव वैल्यू टू इट, तो हम लोगों को उस पर उनका जो बाग है, जैसे उनका रिलेटेड सर्विसेज है, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ केयर सर्विस, अभी स्वयं सहायता समूह के महिलाएं भी काफ़ी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसमें हमारा प्राथमिकता ये रहेगा जितना अभी पहुँचे हैं महिलाएँ उनको और आगे हमको ले जाना पड़ेगा। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस है, हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट का फोकस है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ से, तो इसमें कोशिश ये करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या हम लोग व्यवस्था कर सकते हैं उस पर हम लोग कोशिश करेंगे। इसके अलावा इनका लीगल नॉलेज मेन तो ये है कि अपना राइट्स ही पता नहीं रहता है, कई बच्चों से और महिलाओं से इंटरेक्ट करते हैं तो वो ये है कि लीगल राइट्स भी पता चले, इन चीज़ों में हम लोग वर्कआउट करेंगे। समीक्षा कर लेंगे, उसमें जो जो पॉइंट्स आएंगे उस पर कर लेंगे। नहीं, अभी एक तो ये है कि आज ज्वाइन किए हैं, पहले समीक्षा करेंगे देन फील्ड विजिट करेंगे, क्योंकि अभी आते समय भी कई चीज़ें देखने को मिला है, बट ये है कि कितना
ग्राउंड लेवल तक पहुंचा है उसका बिल्कुल फील्ड पे जा करके हम लोगों को देखना पड़ेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फास्ट बाइट टीवी। नमस्कार। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।